हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम हमारा बैंकिंग वाला टेस्ट डिस्कस करेंगे। आज अपना जो बैंकिंग का टेस्ट था, इसके पी ओ न्यू 01AXKN, इस टेस्ट में एज सच अगर मैं बात करूं तो टेस्ट का लेवल जो था इजी था। हम इस टेस्ट का सिर्फ क्लोज टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि क्लोज टेस्ट में थोड़ी सी अच्छी चीज़ें थी जो समझने लायक थी, बाकी एज सच कुछ खास था नहीं इसमें। तो एक काम करते हैं, हमेशा की तरह पहले भी हमने कई बार बात की है कि क्लोज टेस्ट जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्टिंग से ऑप्शंस नहीं देखेंगे। पहले भी कुछ वीडियोस में मैं ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुका हूँ कि क्लोज टेस्ट करते हुए हमें सिर्फ ये चीज़ नहीं देखनी है कि क्लोज टेस्ट में सीधा हम फर्स्ट ऑप्शन देखते ही हम ऑप्शन देखने चले जाएँ, ना जी ना। हम पहले क्लोज टेस्ट को पढ़ के उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, देन हम ऑप्शंस पे जाएंगे। ऐसी ही अप्रोच हमेशा रहनी चाहिए। यस, इस अप्रोच को करते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये जो टाइम होता है ये टाइम आपका सेव होता है, इन्वेस्टमेंट है ये टाइम की, ठीक है जी। तो ये टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस चीज़ को अच्छे से कर पाओगे। देखते हैं अपन, कह रहे द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज, स्टार्ट करते हैं। देखो, कह रहे द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज डैश, फाइनेंस मिनिस्ट्रीज दिखने के बाद मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है, अपोस्ट्रोफी एस लगा है, पीछे लिखा है मिसिव। देखो, मिसिव जो वर्ड है ना, ये वर्ड का मतलब होता है एक ऑफिशियल लेटर होता है, कोई ऑफिशियल, जब आप ऑफिशियल कोई ऑर्डर जारी करते हो ना, उसको बोलते हैं मिसिव, ठीक है। और जनरली ये ऑफिशियल लॉन्ग लेटर होता है, ठीक है। तो कह रहे थे फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ने कोई मिसिव दिया है, कोई लेटर दिया है टू 10 स्टेट ओन्ड लेंडर्स को। स्टेट ओन्ड लेंडर्स, कल परसों भी हम एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा था स्टेट ओन्ड लेंडर्स होते हैं जो स्टेट के, स्टेट यानी गवर्नमेंट के जो बैंक्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स होते हैं उनको बोला जाता है स्टेट ओन्ड लेंडर्स। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर जारी किया है 10 स्टेट ओन्ड लेंडर्स के नाम टू सबमिट टाइम बाउंड टर्न अराउंड प्लान्स। उनको कहा गया है कि आप अपना प्लान सबमिट करो, और कैसा प्लान सबमिट करो, टाइम बाउंड टर्न अराउंड। टाइम बाउंड का मतलब होता है फिक्स टाइम के अंदर। जैसे मैंने कहा कि मेरे को ये बताओ कितने टाइम में आप ऐसा कर लोगे, तो मैंने आपको कहा कि टाइम बाउंड रिपोर्ट सबमिट करो मुझे। कैसी रिपोर्ट सबमिट करो, टाइम बाउंड। तो उन्होंने मांगी है एक टाइम बाउंड टर्न अराउंड प्लान, मांगा है उनसे, मांगा गया। टर्न अराउंड का मतलब होता है कंप्लीट चेंज कर देना, तो एक ऐसा प्लान दो जिससे आप अपने आप को कंप्लीट चेंज कर दोगे और फोरसेक या फिर छोड़ दो। फोरसेक का मतलब होता है रिनाउंस कर देना, त्याग देना, छोड़ दो। किस चीज़ को छोड़ दो, एनी फर्दर कैपिटल इन्फ्यूजन फ्रॉम द गवर्नमेंट, या फिर आपको कोई भी कैपिटल इन्फ्यूजन नहीं मिलेगी। इन्फ्यूजन का मतलब होता है कैपिटल, जब किसी के अंदर इन्फ्यूज की जाती है मतलब कैपिटल डाली जाती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से इनको कोई भी कैपिटल नहीं मिलेगी। तो कह रहा है ये जो चीज़ है, ये जो मिसिव है, इज ए स्मॉल, ये एक स्मॉल डैश टाइमली स्टेप, एक स्मॉल स्टेप है, डैश टाइमली है। ऑथर कहना चाह रहा है तो स्मॉल स्टेप, लेकिन फिर भी कैसा स्टेप है, टाइमली स्टेप है, इन द राइट डायरेक्शन, बिल्कुल सही डायरेक्शन में लिया हुआ स्टेप है। कह रहा है एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड डैश इन इट्स लास्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, कह रहा है जैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डैश किया था अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में, क्या कहा था उसने, कुछ कहा ही होगा। कह रहा है रिस्क टू द बैंकिंग सेक्टर रिमेन वरिंगली डैश, तो आरबीआई ने बताया था कि जो रिस्क है ना बैंकिंग सेक्टर के, वो वरिंगली डैश हैं, रिस्क जो हैं वो शायद ज़्यादा होंगे, या वरिंगली पता नहीं, नेगेटिव चीज़ ही आएगी क्योंकि वरिंगली वर्ड लिख रहा है, तो यानी टेंशन देने वाली चीज़ है और रिस्क के बारे में बात कर रहा है। बात करते हैं आगे, कह रहा है द कंटिन्यूस डिटेरियोरेशन, डिटेरियोरेशन का मतलब होता है धीरे धीरे कम होना, डिटेरियोरेट। तो जो कंटिन्यूस डिटेरियोरेशन हो रहा है इन असेट क्वालिटी, उनकी जो बैंक्स की जो एसेट की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे डिटेरियोरेट होती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है, स्पेशली एट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और एसेट क्वालिटी कहाँ खत्म होती जा रही है, पीएसबीज में। ऊपर लिखा था इसने यहाँ पे स्टेट ओन लेंडर्स, यहाँ लिख दिया पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उन्हीं की बात हो रही है। तो कह रहे हैं जो कंटिन्यूस डिटेरियोरेशन है डैश लेड टू लो प्रॉफिटेबिलिटी, इसके कारण लो प्रॉफिटेबिलिटी होती जा रही है, और वैल्यू के अंदर सब्सटैंशियल डैश होता जा रहा है टू द प्रिंसिपल शेयर होल्डर। और प्रिंसिपल शेयर होल्डर कौन है, गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यू में डैश होता जा रहा है गवर्नमेंट के लिए। कह रहा है एज द, देखो अभी तक क्या कह गया, कह रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक मिसिव दिया है, एक ऑर्डर दिया है, ठीक है, और ऑर्डर ये दिया है कि भैया
अपना टाइम बाउंड एक प्लान बताओ हमारे को, कितने दिन में तुम ठीक हो जाओगे। बैंक्स बीमार पड़े हैं, उनको कह रहा है कितने दिन में तुम ठीक हो जाओगे। पत्थर कह रहा है ये एक स्मॉल स्टेप है लेकिन फिर भी टाइमली स्टेप है। फिर कह रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले ही बता दिया था जो रिस्क है ना वो वरिंग हो रहे हैं, मतलब वरिंगली शायद हाई ही हो रहे होंगे, कुछ ऐसा ही वर्ड चाहिए होगा। और कह रहे हैं द कंटिन्यूस डिटेरियोरेशन इन एसेट क्वालिटी, कह रहा है जो एसेट क्वालिटी के अंदर कंटिन्यूस डिटेरियोरेशन होता जा रहा है, कमी आती जा रही है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, उससे गवर्नमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जा रही है और वैल्यू भी कम हो रही होगी, कुछ ऐसा ही वर्ड होगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं एज द आरबीआईज रिपोर्ट पॉइंटेड आउट, जैसा कि आरबीआई की रिपोर्ट ने पॉइंट आउट किया। देखो मेरे को ना मतलब सेंटेंस पढ़ते हुए ही मेरे मुंह से अपने आप आउट निकल रहा है, ठीक है। तो ये बात होती है, ये चीजें तब हो जाती हैं जब हमारी ना रीडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। देखो कुछ नहीं है, मैं सारा दिन रीडिंग करता हूँ, मैं और कुछ नहीं करता, ठीक है ना, मेरा काम ही सारा दिन यही है। मैं अगर क्लासेस की बात करूँ तो हम क्लासेस के अंदर मैं डेली 3 बार एक ही आर्टिकल को पढ़ा देता हूँ, तो वो चीजें ना माइंड के अंदर बैठ जाती हैं। और इसीलिए मैं आप सबको हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि रीडिंग करो, जितनी रीडिंग कर सकते हो ना उतनी करो, और थोड़ा सा फोकस्ड रीडिंग करो। हमारे साथ एक दिक्कत ये भी है ना, हम क्या करते हैं एक ही टाइम पे सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, एक टाइम पे सारी चीज़ें नहीं होती। पहले एक चीज़ उठा लो, मेरे पास स्टूडेंट्स आके यही कहते हैं सर क्या क्या करें, इंग्लिश को इतना टाइम दें, हिंदी को इतना टाइम दें, मैथ्स को इतना टाइम दें, कैसे करें। अरे कैसे क्या करो, एक चीज़ को एक बार पूरा टाइम दे दो, बाकी चीज़ों को साथ में चलाओ। अगर मैं आपको बात बताऊं, जैसे मान लो आप दिन में ना 8 घंटे पढ़ाई करते हो, तो 8 घंटे में से ना अगर आपको इंग्लिश पहले प्रिपेयर करनी है तो इंग्लिश को 5 घंटे दे दो, और बाकी 3 घंटों में ना बाकी चीज़ों से सिर्फ टच बना के रखो। जब इंग्लिश कंप्लीट हो जाए, लग जाए कि इंग्लिश आने लगी, फिर 5 घंटे मैथ्स को देना शुरू कर दो, फिर 5 घंटे रीजनिंग को देना शुरू कर दो, फिर 5 घंटे जीएस को देना शुरू करो, टच किसी का ना छोड़ो। ये अप्रोच होनी चाहिए, ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम सोचते हैं यार 3 घंटे वो भी कर लूँ, 3 घंटे वो भी कर लूँ, पैरेलली सब चीज़ें हो जाए। तो देखो पैरेलली सब चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती, थोड़ा सा चीज़ों को ना स्ट्रेटेजाइज करो और बहुत ईजिली देखो यार, बच्चा जब खड़ा होना शुरू सीखता है ना, एक बच्चा छोटा बच्चा जब खड़े होने लगता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसको उस टाइम पे होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। एक बच्चा छोटा बच्चा जब खड़ा होने की कोशिश करता है ना, पता नहीं अनगिनत बार गिरता है। सबसे ज़्यादा फेलियर एक छोटे बच्चे को वहीं होता है जब वो खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन जिस दिन वो खड़ा हो जाता है ना तो सबको इतनी खुशी मिलती है, माँ बाप को, अड़ोसी पड़ोसी सब इतने खुश होते हैं कि देख बच्चा खड़ा हो गया। तो कहानी वहां पे हमने इतने फेलियर्स देख लिए, यहां तो फेलियर का मतलब ही नहीं है। अगर हमारी वहां पे तो छोटे बच्चे को तो पता ही नहीं था खड़ा कैसे होना है, फिर उसकी टांगों में दम नहीं था कि खड़ा होके चलना है तो कैसे चलना है, उसकी पावर नहीं थी अभी, उसकी टांगों में स्ट्रेंथ नहीं थी। यहां पे तो हमारे पास स्ट्रेंथ भी है और हमें पता भी है कैसे करना है, और तो और हमारे पास गाइड भी है, हमारे को बताने वाले, रास्ता देने वाले, दुनिया जहान की चीजें हैं, रिसोर्सेज इतने सारे अवेलेबल है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ उंगली पकड़ के चलना है, और बस चलना हमें है। अब हमारी हमारे पास स्ट्रेंथ भी है, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, सब कुछ है, बस हमें चलना है। तो वहाँ जो हमने अनगिनत फेलियर देखे ना, और उन अनगिनत हर बच्चा आज के डेट में जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हो, हर बच्चा है जो खड़ा होकर चल सकता है, ठीक है ना। तो जब आपने चलना सीख लिया तो टेस्ट क्लियर करना तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ये तो हम यूं कर देंगे कभी भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस सिर्फ चीज चाहिए स्ट्रेटजी, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कह रहे थे गवर्नमेंट की जो सब्सटैंशियल वैल्यू है और प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें कमी आ रही है, और कह रहे हैं एज द आरबीआईज रिपोर्ट पॉइंटेड, जैसा कि रिपोर्ट ने बताया, पीएसबी सोज द प्रपोर्शन ऑफ देयर ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, पीएसबी ने देखा कि जो उनका एनपीए है डैश टोटल एडवांसेज में से ऑलमोस्ट डबल हो गया इन द 12 मंथ्स, लगभग डबल हो गया पिछले 12 महीनों में, थ्रू सेप्टेम्बर 2016 टू 11.8%, 11.5% 12% एनपी हो गया, मतलब 100 रुपये लोन दे रखा है तो 12 रुपये तो एनपी है। फिर कह रहे हैं दैट द मिनिस्ट्री हैज आइडेंटिफाइड 10 ऑफ दीज पीएसबी, मिनिस्ट्री ने 10 पीएसबी को आइडेंटिफाई किया है टू एडमिनिस्टर ए डोज ऑफ, और उनको एक डोज दी जा रही है, कैसी डोज दी जा रही है, लव की, कैसा प्यार दिया जा रहा होगा भाई पता नहीं, कोई बात नहीं, सजेस्ट, तो ये चीज़ सजेस्ट करती है क्या, दे आर द डैश मोस्ट इन नीड ऑफ अर्जेंट करेक्टिव एक्शन। तो कह रहे हैं वो जो 10 बैंक है ना वो हैं जिनको बहुत ज़्यादा करेक्टिव एक्शन की ज़रूरत है,
यहाँ पे अर्जेंट करेक्टिव एक्शन है। अभी आरबीआई ने एक जो टर्म दी थी पिछले साल उसको दिया था प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, तो उसी सब चीज की बात कर रहा है। बात करते हैं सारी क्या कहना चाह रहा है, देखते हैं एक बारी ऑप्शंस के साथ। कहानी अपने को समझ में आ गई, कहानी ये है कि आरबीआई ने ना सब बैंक्स को मतलब कह दिया कि भाई थोड़ा सा ढंग से काम कर लो, थोड़ा सा टाइम बाउंड प्लान दो, या तो टाइम बाउंड प्लान दे दो जी इतने टाइम में ठीक हो जाएंगे, नहीं तो भैया जो ये बीमारी के लिए जो हम पैसे पूसे देते रहते हैं ना इलाज करवाने के लिए, वो पैसे देने बंद कर जाएंगे, फिर मरना जैसे मर्जी, कुछ ऐसी बात कहना चाह रहा है उधर। पढ़ते हैं देखो, कह रहा था फिनेंस मिनिस्ट्रीज डैश मिसिव, फिनेंस मिनिस्ट्री ने 10 स्टेट ओन लेंडर्स को डैश लेटर दिया है। कैसा लेटर दिया है ऑप्शंस के थ्रू देखते हैं। पहला ऑप्शन है अनइक्विवोकल मिसिव, अनइक्विवोकल का मिस अनइक्विवोकल का देखो, सेकंड ऑप्शन है इक्विवोकल, फर्स्ट ऑप्शन है अनइक्विवोकल। ये जो अनइक्विवोकल वर्ड है ना या इक्विवोकल, इक्विवोकल में इक्वी एक रूट है जिसका मतलब होता है इक्वल, वोक का मतलब होता है बोलना, तो इक्विवोकल मतलब होता है दोनों तरफ की बात करना, अनक्लियर बात करना, उसको बोलते हैं इक्विवोकल। जैसे मैं कल परसों भी क्लास में एग्जाम्पल दे रहा था कि कोई आपसे किसी बंदे के बारे में पूछ ले कि भाई सोहन राम जो है वो अच्छा है या बुरा है, और मैंने कह दिया भाई साहब कोई बंदा अच्छा नहीं होता, कोई बंदा बुरा नहीं होता, सारे सारे अच्छे बुरे उनके कर्मों के कारण होते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते उसके अच्छे कर्म भी है उसके माड़े कर्म भी है, तो मेरी जो बात है ना वो इक्विवोकल है, मतलब अनक्लियर जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं इक्विवोकल, और अनइक्विवोकल होता है बिल्कुल क्लियर। तो बैंक ने, आरबीआई ने, फिनेंस मिनिस्ट्री ने क्लियर मैसेज दिया होगा या अनक्लियर मैसेज दिया होगा? अनक्लियर का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता, तो मैं अनक्लियर को तो यहां पे एलिमिनेट कर सकता हूं, ठीक है। सर्टेन मिसिव दिया है, सर्टेन भी निश्चित मिसिव दिया है, ऐसी कोई बात नहीं। सब्सटेंटिव का मतलब होता है कुछ जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, ऐसा वैल्यू वाला मिसिव दिया है, वैल्यू वाला भी कोई बात नहीं आ रही यहां पे, तो उसने कैसा मैसेज दिया है? बिल्कुल एक क्लियर मैसेज दिया है। ऑप्शंस को अगर एलिमिनेट कर रहे हो तो बहुत इजीली क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन हमारा शायद इसका आंसर बनना चाहिए। आगे देख लेते हैं एक बारी आगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज अनइक्विवोकल मिसिव, जो क्लियर मैसेज दिया है 10 स्टेट ओन लेंडर्स को कि सबमिट करो अपनी टाइम बाउंड टर्न अराउंड प्लान, या फोरसेक कर दो या छोड़ दो भैया, तो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दो जी इतने दिन में ठीक हो जाएंगे, नहीं तो भैया अपनी हमारी तरफ से पैसा पूसा लेना बंद कर दो। तो कह रहा है ऑथर, कह रहा है इट इज ए स्मॉल डैश टाइमली स्टेप, स्मॉल स्टेप है बट टाइमली स्टेप है, देखते हैं बट जैसा ऑप्शन चाहिए मुझे। कह रहा है स्मॉल एंड टाइमली स्टेप, स्मॉल और टाइमली, देखो स्मॉल एक नेगेटिव चीज है, टाइमली एक पॉजिटिव चीज है। स्टेप की बात अगर कर रहे हैं तो एंड तो ना दोनों सेम चीजों को जोड़ता है। जैसे मैं कहूँ ही इज ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट, अब ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट दोनों सेम चीजें हैं, ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट दोनों कैसी चीजें हैं, सेम चीजें हैं, तो एंड सेम चीजों को जोड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता ही इज डिसऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट, ना जी ना, यहाँ पे बनाना पड़ेगा ही इज डिसऑनेस्ट बट इंटेलिजेंट, तो एंड ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि एक ऑप्शन तो हमारे पास पॉजिटिव था और दूसरा नेगेटिव था। स्मॉल स्टेप तो नेगेटिव चीज हो गई, टाइमली स्टेप पॉजिटिव चीज हो गई, तो एंड ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। फिर कह रहा है अनलाइक स्टेप, इट इज अ स्मॉल अनलाइक टाइमली स्टेप, अनलाइक की कोई सेंस नहीं बन रही यहाँ पे, लाइक सेम वे में स्मॉल लाइक टाइमली स्टेप ऐसी कोई सेंस नहीं बन रही, तो बट वाली सेंस चाहिए, येट का मतलब होता है फिर भी, तो यहाँ पे कह रहा है कि ये एक स्मॉल स्टेप है लेकिन फिर भी टाइमली स्टेप है, स्टेप जो उठाया वो बिल्कुल सही उठा लिया, सही टाइम पे उठा लिया, इन द राइट डायरेक्शन, पॉजिटिव चीज़ चाहिए थी तो नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ने के लिए हमने एक नेगेटिव मतलब एक ऐसी एडवर्ब लगाई जो कॉन्ट्राडिक्ट करती है, बट हो गया, येट हो गया, ये ऐसी एडवर्ब्स होती हैं, ऑल्दो हो गया, दो हो गया, ये ऐसी कंजंक्शंस होती हैं, ठीक है ना। कह रहा है एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड डैश इन इट्स लास्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट, जैसा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी लास्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट में डैश किया था कि रिस्क टू द बैंकिंग सेक्टर रिमेन वरिंगली डैश, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी लास्ट रिपोर्ट में एश्योर किया था। एश्योर का मतलब होता है जैसे आई एश्योर यू कि मैं अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा, एश्योर का मतलब होता है आश्वासन देना, तो यार एश्योरेंस तो किसी पॉजिटिव चीज पे दी जाती है, और यहाँ पे बात चल रही है रिस्क की, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में बताया था कि रिस्क जो है ना वो बढ़ रहे हैं, तो भाई रिजर्व बैंक ने बताया था रिस्क बढ़ रहे हैं तो रिस्क का कोई आश्वासन नहीं देगा, फिर रिस्क को इंश्योरेंस नहीं करोगे भाई। वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये नहीं कहा कि भाई रिस्क जो है ना
मैं प्रिवेंट कर लूँगा, मैं रिस्क कवर कर लूँगा, ऐसी बात भी नहीं की। एंश्योर सुनिश्चित किए थे भैया रिस्क आने चाहिए, ज़रूरी है, नहीं तो रिस्क नहीं आएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तीनों ऑप्शन बहुत इजीली एलिमिनेट हो सकते थे। हमारा जो आंसर बनता है फ्लैग्ड, फ्लैग्ड का मतलब होता है संकेत देना। तो अपनी रिपोर्ट में उसने पहले ही संकेत दे दिए थे आरबीआई ने, क्या संकेत दे दिए थे, रिस्क टू द बैंकिंग सेक्टर रिमेन वरिंगली डैश, कि जो बैंकिंग सेक्टर है ना उनके लिए जो रिस्क हैं वो बहुत ज़्यादा लो हैं, बहुत ज़्यादा हाई हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं। तो देखो लो और स्मॉल तो हम बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते थे, इंक्रीज एक वर्ब है और हाई एक एडजेक्टिव है। तो कह रहे हैं कि जो जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है या हाई है, वो बहुत ज़्यादा हाई है, मुझे वर्ब की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, तो ये एलिमिनेट हो गया, मेरा आंसर बन गया हाई है। फिर क्या कह रहा है, कह रहे द कंटिन्यूस डिटेरियोरेशन इन असेट क्वालिटी स्पेशली एट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। कह रहा है जो कंटिन्यूस डिटेरियोरेशन हो रहा है, जो कमी आती जा रही है एसेट क्वालिटी में, और किसकी, एट द पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक की, डैश लेड टू द प्रॉफिटेबिलिटी, वो जो है ना जो कंटिन्यूस डिटेरियोरेशन है वो लीड कर रही है कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना वो कम हो रही है, डिटेरियोरेशन होता जा रहा है। डैश लेड टू, ऑप्शन हैज लेड टू, हैव लेड टू, वॉज लेड टू, इज लेड टू। देखो सेंटेंस को अगर देखें, सेंटेंस कह रहा है द कंटिन्यूस डिटेरियोरेशन, दो कॉमास के बीच में इंफॉर्मेशन हमेशा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, तो सब्जेक्ट क्या बना, द कंटिन्यूस डिटेरियोरेशन इन एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी तो इनके बाद आया, प्रीपोजिशन के बाद आने वाली चीज कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकती, तो एसेट क्वालिटी एक सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है द कंटिन्यूस डिटेरियोरेशन, सब्जेक्ट है कंटिन्यूस डिटेरियोरेशन। अगर कंटिन्यूस डिटेरियोरेशन सब्जेक्ट है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, कंटिन्यूस डिटेरियोरेशन हैज या हैव, देखो हैव ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है, प्लूरल मुझे चाहिए नहीं, सिंगुलर चाहिए, लेकिन हैज भी सिंगुलर है, वॉज भी सिंगुलर है और इज भी सिंगुलर है। अब देखो हैज लेड एक एक्टिव वॉइस बनाएगा, वॉज और इज लेड जब भी बी के बाद वी थ्री दिखाई दे, बी प्लस वी थ्री हमेशा पैसिव वॉइस बनाती है, क्या मुझे पैसिव वॉइस की जरूरत है, पैसिव वॉइस में होता क्या है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो पीछे से आगे आ जाता है। एक बार सेंटेंस को पढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहा है, एक्टिव बना रहा है या पैसिव बना रहा है। कह रहे द कंटिन्यूस डिटेरियोरेशन, कंटिन्यूस डिटेरियोरेशन लीड कर रही है, क्या डिटेरियोरेशन ही लीड कर रही है, कंटिन्यूस डिटेरियोरेशन ही लीड कर रही है, तो डिटेरियोरेशन काम कर रही है, ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है तो मुझे इज या वॉज की जरूरत नहीं है, डिटेरियोरेशन इज लेड टू या वॉज लेड टू नहीं चाहिए, डिटेरियोरेशन हैज लेड टू लो प्रॉफिटेबिलिटी, उसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है और सब्सटैंशियल वैल्यू डैश हुई है। वैल्यू में क्या हुआ होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है तो वैल्यू में क्या होगा, गेन होगा क्या, वैल्यू में गेन नहीं हो सकता, वैल्यू में इंक्रीज नहीं हो सकता, वैल्यू में बिल्डअप, बिल्डअप का भी मतलब तो होता है बढ़ाना, तो वैल्यू में क्या हो रहा है, इरोजन, सोयल इरोजन सुना होगा, मृदा अपरदन हिंदी में बोलते थे, इरोजन का मतलब होता है धीरे धीरे कम करना, तो वैल्यू जो है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ऑप्शंस के थ्रू अगर हम इस चीज को कर रहे हैं ना, बहुत इजी ऑप्शंस थे इस आर्टिकल के अंदर, इसके अंदर क्लोज टेस्ट के अंदर। कह रहे टू द प्रिंसिपल शेयर होल्डर, तो कह रहा हैज लेड टू लो प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है, वैल्यू इरेजन हो रहा है, प्रिंसिपल शेयर होल्डर का जो मेन शेयर होल्डर है, और वो मेन शेयर होल्डर है कौन, गवर्नमेंट है। कह रहा है एज द आरबीआईज रिपोर्ट पॉइंटेड, एज द आरबीआई रिपोर्ट, जैसा कि आरबीआई की रिपोर्ट ने पॉइंट, मैंने तुरंत बोल दिया था पॉइंट आउट किया, देखो पॉइंटेड फोर नहीं होता, पॉइंटेड ऑन नहीं होता, ठीक है, पॉइंट फोर पॉइंट ऑन वैसे यूज नहीं होता, दो चीजें यूज होती है, एक यूज होता है पॉइंट आउट, एक यूज होता है पॉइंट टू। पॉइंट टू अगर हम यूज करते हैं ना तो इसका मतलब होता है टू शो द ट्रूथ, और पॉइंट आउट का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, ठीक है, पॉइंट टू का तो मतलब हो जाता है ट्रूथ को शो करना, शो द ट्रूथ, ठीक है, लेकिन जो पॉइंट आउट होता है वो होता है आइडेंटिफाई करना। बात देखो क्या लिख रहा था, एक बारी बात देख लेते हैं, कह रहे एज द आरबीआईज रिपोर्ट, ये रहा एज द आरबीआईज रिपोर्ट पॉइंटेड आउट, जैसा कि आरबीआई की रिपोर्ट ने पॉइंट आउट किया, दिखाया, आइडेंटिफाई किया, क्या आइडेंटिफाई किया,
कि पीएसबी सो द प्रपोर्शन ऑफ देयर ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डैश टोटल एडवांटेज ऑलमोस्ट डबल, कि पीएसबी की जो प्रपोर्शन है ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो उनका टोटल एनपीए है, वो टोटल एडवांसेस में लगभग डबल होता जा रहा है। प्रपोर्शन जो है वो डबल होता जा रहा है। पिछले साल 10 का प्रपोर्शन था तो इस साल 20 का प्रपोर्शन हो रहा है। ये चीज उन्होंने शो द ट्रुथ या टू आइडेंटिफाई, रिपोर्ट में क्या किया उन्होंने, आइडेंटिफाई किया, पता लगाया। रिपोर्ट कभी शो द ट्रुथ नहीं यूज करते हम, रिपोर्ट में हम लिखते हैं क्या और पॉइंट टू के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो ऐसी चीज भी नहीं आई। तो रिपोर्ट पॉइंटेड आउट कि पीएसबी शोज द प्रपोर्शन ऑफ देयर ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, प्रपोर्शन के साथ हम यूज करते हैं टू, द प्रपोर्शन टू। जैसे मैं बोलूँ द प्रपोर्शन ऑफ मैन टू वुमेन, द प्रपोर्शन ऑफ मैन टू वुमेन, तो प्रपोर्शन ऑफ मैन ये ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मैन मान लो एंड टोटल एडवांटेज वुमेन मान लो, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, टू चाहिए। देखते हैं ऑप्शन में टू है या नहीं। हमारा ऑप्शन था 8th क्वेश्चन, अलोंग है, इन है, टूवर्ड्स है और टू है, टू हमारे पास आंसर है, ठीक है ना। तो प्रपोर्शन जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया इन द 12 मंथ्स थ्रू सेप्टेम्बर 2016 टू 11.8%। कह रहे दैट द मिनिस्ट्री हैज आइडेंटिफाइड 10 ऑफ दीज पीएसबीज, मिनिस्ट्री ने क्या आइडेंटिफाई किया है, 10 पीएसबीज को आइडेंटिफाई किया है, टू एडमिनिस्टर ए डोज ऑफ डैश लव, कि भाई उनको ना एक डोज दी जाएगी डैश लव की। देखते हैं कौन सा लव मिलेगा, पप्पी लव या बर्ड लव या टफ लव या अनरिक्विटेड लव। देखो यहाँ पे ना ये सारे फ्रेजेस थे, एक वर्ड होता है पप्पी लव, ठीक है, जो पप्पी लव होता है, पप्पी लव का मतलब होता है जो ना एक रोमांटिक लव होता है। एक्चुअल में जो नए नए लवर्स होते हैं ना उनके बीच में पप्पी लव होता है, ठीक है, नई नई किसी की शादी हो, नई नया नया कुछ भी हो, तो ऐसे केस में जो लव होता है दैट इज नोन एज पप्पी लव, जो धीरे धीरे कम होता जाता है उसको बोलते हैं पप्पी लव। पप्पी लव मतलब एक ऐसा लव जो रोमांटिक है और यंग पर्सन फील करता है किसी दूसरे पर्सन के लिए, लेकिन वो जैसे जैसे पर्सन ओल्डर होता जाता है वैसे वैसे वो लव भी कम होता जाता है। तो यहाँ पप्पी लव की तो कोई बात नहीं आएगी। बर्ड लव नहीं होता, एक्चुअल में लव बर्ड्स फ्रेज यूज होता है। लव बर्ड्स होते हैं जो लाइक मतलब कपल होता है ना, लव करते हैं जो कपल को बोला जाता है लव बर्ड्स, ठीक है। टफ लव, टफ लव का मतलब होता है ऐसा लव जिसमें थोड़ी सी डांट हो। टफ लव होता है ऐसा लव जिसमें थोड़ी सी डांट हो, प्यार प्यार है लेकिन वो डांट वाला प्यार है। और अनरिक्विटेड लव जो होता है ये होता है वन साइडेड लव। तो अनरिक्विटेड लव, बर्ड लव या पप्पी लव का यहाँ पे सेंस नहीं आ रही थी। आरबीआई थोड़ा सा डांट मार रहा है उनको, तो आरबीआई ने कहा है कि इनको डोज देनी पड़ेगी डांट वाली। तो ये चीज़ सजेस्ट करती है क्या, कि दे आर द डैश मोस्ट इन नीड ऑफ अर्जेंट करेक्टिव एक्शन। तो कह रहा है वो ये जो बैंक्स है ना, दे आर द वन, दे आर द वन, मुझे यहाँ पे एक चीज याद आई, दे आर द वन में आर जो है मेन वर्ब है, और अगर आर मेन वर्ब है तो आर के बाद जो चीज आएगी वो आएगी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये चीज हमने क्लासेस में सीखी है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसके लिए आ रहा है, दे के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, दे सिंगुलर है या प्लूरल है, बट ऑब्वियस है दे क्या चीज है, प्लूरल है। अगर दे प्लूरल है तो दे आर द वन तो कभी हो ही नहीं सकता। मुझे प्लूरल चाहिए वन का, और वन का प्लूरल होता है वंस। दे आर द वंस, वो एक बार हैं, ऐसी चीज तो हो ही नहीं सकती। और ये तो वंस वन का, उसका कुछ ऐसी सेंस देता है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। तो मेरे पास सीधा सा ऑप्शन बचता है वंस। तो देखो अगर हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत इजीली चीजों को कर पाएंगे। और मैंने आपको एक चीज और बताई कि चीजों को फोकस्ड वे में करो, चीजों को स्ट्रेटेजाइज करके करो। स्ट्रेटेजी बना लो कि मैंने अभी सिर्फ इंग्लिश को टाइम देना है या मैंने सिर्फ अभी मैथ्स को टाइम देना है। एक बारी एक चीज में सारी क्लैरिटी बनाओ, कंसेप्ट की क्लैरिटी बनाओ। हम सोचते हैं ना भाई कुछ शॉर्टकट मिल जाए, तो देखो सक्सेस का ना शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन सक्सेस का जो रास्ता है अगर आपने पूरा क्रॉस कर लिया तो उसके बाद कोई रोक नहीं सकता। एक बार सीधी सी बात है, अगर टिकट मिल गई ना ट्रेन की टिकट मिल गई, आपके रिजर्वेशन हो गई, एयरप्लेन में रिजर्वेशन ऑलरेडी करवा ली, तो आपको बैठने से कोई रोक नहीं सकता, बशर्ते
आप टाइम पे पहुंचो, ऐसा नहीं जी मैं तो लेट आ रहा हूँ, ट्रेन 4 बजे की है, फ्लाइट 4 बजे की है, आप पहुंच रहे हो 4:30 बजे और हू हल्ला कर रहे हो जी मेरी तो ट्रेन में टिकट बुक थी, रिजर्वेशन थी, ऐसे काम नहीं चलेगा। काम तो तभी चलेगा कि ट्रेन के टाइमिंग का भी ध्यान देना पड़ेगा, यानी चीज़ों के कंसेप्ट को भी ध्यान दे के और चीज़ों को अगर तरीके से कर लोगे, टाइम रहते कर लोगे, तो बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर कर लोगे। ठीक है जी, तो आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।